हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ प्याज की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी टेस्टी आलू की सब्जी के साथ। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। यदि आप इसे वेट में मेज़र करना चाहें तो ये 200 ग्राम है। आप मैदा की जगह पर इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसे मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। अब इस ऑयल को मैदा के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस प्रोसेस को मोइन करना कहा जाता है। ऑयल जब मैदा के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तब इसमें इस तरह की बाइंडिंग आ जाती है। अब हम इस मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए यदि सख्त डो का यूज़ किया जाएगा तो ये ऑयल में फ्राई होते समय खुल जाएगी, इसीलिए हमें इसी तरह का सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब इस डो को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। कचौड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 बड़े चम्मच ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करने के बाद इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने दें। इसके बाद इसमें ऐड करें 1/4 छोटा चम्मच हींग। हींग बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसीलिए तुरंत ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को 8 से 10 सेकंड तक भूनने के बाद अब हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ की फाइन चॉप की हुई प्याज। प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए आप प्याज की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भूनकर इसके मॉइस्चर को कम करेंगे। प्याज को भूनते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं प्याज अभी क्वांटिटी में काफ़ी कम हो चुकी है क्योंकि इसका मॉइस्चर काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए और ग्रेट किए हुए आलू। आलू को ग्रेट करके लेने से इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते हैं और स्टफिंग बहुत ही स्मूथ बनती है और कचौड़ी के फटने की भी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच ही हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। मसाले ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर आलूओं को करीब 4 से 5 मिनट तक भूनना है जिससे कि इनका मॉइस्चर भी थोड़ा रिड्यूस हो सके। आलू के मॉइस्चर की वजह से भी कई बार कचौड़ियाँ फट जाती हैं, इसीलिए आलू को इसी तरह से भूनकर ही लेना चाहिए। आलू को भूनते हुए करीब 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए फ्रेश धनिया पत्ती ऐड करेंगे और धनिया ऐड करने के बाद आलू को 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही और भूनेंगे। पूरे 5 मिनट तक आलूओं को मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब इसे ठंडा करने के लिए 1 प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। स्टफिंग को जल्दी से ठंडा करने के लिए इसे थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड करेंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है हम आलू टमाटर की सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। सब्जी बनाने के लिए मैंने ली है 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 तेज़पत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 हरी इलायची। इलायची को मैंने थोड़ा सा क्रश करके लिया है ताकि सब्जी में इसका अच्छा फ्लेवर आए। मैंने 8 काली मिर्च ली हैं और 2 ली हैं सूखी लाल मिर्च। ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। इसके साथ ही हम सभी खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। मसालों को लो फ्लेम पर 6-7 सेकंड तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च। अदरक हरी मिर्च को मीडियम फ्लेम पर 1/2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी। सभी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक भी हम इसी स्टेज पर ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से टमाटर अपने मॉइस्चर को रिलीज़ कर देता है और इसीलिए ये जल्दी पक जाता है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब टमाटर को लो मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है।
टमाटर के पकने के बाद इससे ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पर हम 4 मीडियम साइज़ के रफली मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। अब आलूओं को मीडियम फ्लेम पर करीब 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। आलूओं को भूनने से सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो आलूओं को मैंने करीब 5 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप पानी। आप सब्जी को जैसी थिकनेस देना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर मैं ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इसे सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब सब्जी को कवर करके मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी को पकते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही बढ़िया टमाटर आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला और साथ में फ्रेश धनिया पत्ती भी ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब सब्जी को एक बार फिर से कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि अभी हमने जो चीज़ें ऐड की हैं उसका फ्लेवर सब्जी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। 1 मिनट हो चुका है और प्याज की कचौड़ी के साथ सर्व करने के लिए बहुत ही डिलीशियस टमाटर आलू की सब्जी रेडी हो चुकी है। इसे कवर करके हम रख देते हैं और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हमने जो डो तैयार करके रखा था उसे थोड़ा सा मसल कर और स्मूथ करेंगे, और अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे लोई बनाकर तैयार करेंगे। लोई बनाने के बाद इसे हाथ से हम किनारों से इस तरह से पतला करेंगे, लेकिन बीच में इसकी मोटाई हमें ज़्यादा ही रखनी है। अब हम कचौड़ी की स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के लिए स्टफिंग में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे इस तरह से बॉल की शेप देंगे। स्टफिंग करने के बाद इसके किनारों को बहुत ही सावधानी पूर्वक सील करना चाहिए। कचौड़ी को सील करने के लिए इसके दोनों किनारों को आपस में मिलाकर अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करें। कचौड़ी के किनारों को यदि अच्छी तरह से सील नहीं किया जाएगा तो ये फ्राई होते समय ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसके किनारों को एक साथ लाकर इस तरह से घुमाकर इसे फोल्ड करते हैं। प्याज की इस कचौड़ी को आप बेलकर बना सकते हैं या फिर मेरी तरह से इस तरह से हाथों से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने एक कचौड़ी बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से हम बाकी की कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। कचौड़ी फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर ही कचौड़ी को फ्राई करेंगे। खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म ऑयल में कचौड़ी का कलर ऊपर से तुरंत ही चेंज हो जाएगा। कचौड़ी जब ऑयल में ऊपर आ जाए तब इसे आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्लिप करते हुए डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। कचौड़ी दोनों ही साइड से बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। आलू टमाटर की डिलीशियस सब्जी के साथ प्याज की कचौड़ी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। प्याज की कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।